हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग 2022 होंडा हॉर्नेट 125R के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हॉर्नेट 125R आपको काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी देखा जाए तो 125cc सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है और सभी कंपनियां अभी अपनी 125cc बाइक के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। जैसे कि बजाज ने कुछ ही दिन पहले अभी अपनी NS125 को लॉन्च किया है और TVS की तरफ से भी आपको राइडर 125 देखने को मिलती है, और इन दोनों ही बाइक में आपको 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव लुक और काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। और होंडा की तरफ से भी आपको हॉर्नेट 125 काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। और अगर आप लोगों को हॉर्नेट 125R से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आई होप आपके जितने भी डाउट हैं वो यहां पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हॉर्नेट 125R का लुक आपको बिल्कुल हॉर्नेट 160R के जैसा ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राइडर 125 में आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, इसीलिए इसमें भी आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। रियर के साइड में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, स्मार्ट टेक्स टेक्नोलॉजी, टर्न वाइटन नेविगेशन और भी कई सारे एडवांस फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगे। और इसका जो पेट्रोल टैंक है वो भी आपको पहले से काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलने वाला है, और इसके टैंक पर आपको टैंक काउल, नीचे की साइड में आपको इंजन काउल भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 140 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी वाइड टायर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में 286mm का डिस्क ब्रेक प्लस सिंगल चैनल ABS और रियर में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ड्यूक 125 में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, इसीलिए इसमें भी आपको स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 124.7cc का 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड BS6 AFI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 12.5 BHP के अप्रॉक्स पावर और 11 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इस बाइक में आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 5-speed का गेयरबॉक्स भी देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इसकी प्राइस के बारे में, तो हॉर्नेट 125R की एक्सोरूम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 95,000 रुपीज़ से लेकर 1 lakh rupees अप्रॉक्स। अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो ये बाइक यहाँ पर इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है, और इस बाइक का सीधा कंपटीशन यहाँ पर राइडर 125, NS125 और ग्लैमर के एस्टेक मॉडल से रहेगा। और ये बाइक कहीं ना कहीं इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप लोग यहाँ पर 125cc सेगमेंट में कोई डेली कम्यूटिंग के लिए बढ़िया बाइक परचेज करने की सोच रहे थे तो आप लोग ज़रूर से इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको अप्रैल के एंड में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।